पीएम मोदी ने 24 जून को इमरजेंसी का जिक्र कर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इस मामले पर कांग्रेस का बयान भी सामने आया है। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था, संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे। विदाउट डिक्लेयरिंग इमरजेंसी यू आर डूइंग इट। पहले पीएम मोदी का बयान सुनिए। आज हम 24 जून को मिल रहे हैं, कल 25 जून है। जो लोग इस देश के संविधान की गरिमा से समर्पित हैं, जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पे निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र पर जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था, संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे, देश को जेल खाना बना दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। इमरजेंसी के ये 50 साल इस संकल्प के हैं कि हम गौरव के साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हुए भारत के लोकतंत्र लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी और लोकतंत्र पे काला धब्बा लगा दिया गया था। पीएम मोदी ने ये बात 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत के मौके पर संसद परिसर में अपने संबोधन के दौरान कही। उधर पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस भड़क गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का ये जवाब सामने आया। देखो, 100 बार यही बात बोलेंगे और इमरजेंसी के 50 साल हो रहे बोले तो तुम इमरजेंसी से विदाउट डिक्लेयरिंग इमरजेंसी यू आर डूइंग इट। इसीलिए हर बार वही बात बोल के आप कितने दिन ऐसा ही अपनी हुकूमत करना चाहते हैं। इसके अलावा खड़गे ने सोशल मीडिया पर लिखा, नरेंद्र मोदी जी आप विपक्ष को नसीहत दे रहे हैं, 50 साल पुरानी इमरजेंसी की याद दिला रहे हैं, पिछले 10 साल के अघोषित आपातकाल को भूल गए जिसका जनता ने अंत कर दिया। लोगों ने मोदी जी के खिलाफ जनमत दिया है, इसके बावजूद अगर वो प्रधानमंत्री बन गए हैं तो उन्हें काम करना चाहिए। फिलहाल इस मामले पर वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है।